Next question. Question says, under the influence of uniform magnetic field, a charged particle moves with a constant speed v in a circle of radius r. Sawal hai, time period of the motion of the particle depends on r and not on v, is independent of both v and r, depends on both v and r, ya phir depends on v and not on r. Again, bahut simple sawal hai, ye agar apne concepts yahan pe clear hain. So, iska direct answer bhi main, acha ek kaam karte hain, pehle direct answer likh lete hain, uske baad usko derive kar lenge, wo aaya kahan se. कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है तो उसका रेडियस जो है वो हम लिखते हैं mv डिवाइडेड बाय qb. ये काम हम कर रहे हैं सिर्फ आपके फॉर्मूला रिवाइज करने के लिए. और जो आपका टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड को हम लिखते हैं 2 पाई m डिवाइडेड बाय qb. ये आपका टाइम पीरियड आता है. सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि आपका जो टाइम पीरियड है ये आपके v और r दोनों के इंडिपेंडेंट है. इसको हम ये कहते हैं कि अगर आपका रेडियस बढ़ेगा तो वेलोसिटी अपने आप एडजस्ट हो जाएगी, वेलोसिटी बढ़ेगी रेडियस अपने आप एडजस्ट हो जाएगा इन सच अ वे कि आपका टाइम पीरियड कांस्टेंट रहे. राइट, तो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ वी एंड आर वुड बी द राइट आंसर. अब एक बार ये चेक कर लेते हैं कि रेडियस और ये वैल्यू आई कहाँ से. हम ये कहते हैं कि कोई चार्ज पार्टिकल चार्ज क्यू मास एम और वी वेलोसिटी से जब ये गोल गोल घूम रहा है आपके मैग्नेटिक फील्ड में तो उस केस में जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है वो आता है आपका एम वी स्क्वायर बाय आर. और उस एम वी स्क्वायर बाई आर का जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है वो आप बराबर करेंगे उसके मैग्नेटिक फोर्स से क्यू वी बी के बराबर आएगा. राइट, सो यहाँ से एक वी और वी कैंसिल हो जाएगा. सो यहाँ से जो आपकी आर की वैल्यू है वो आर की वैल्यू आ जाएगी विल बी इक्वल टू आर उधर ले जाएं. सो ये हो जाएगा एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी. ये आपकी आर की वैल्यू हो जाएगी. सिमिलरली इससे अगर हम टाइम पीरियड निकालना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं जो v बाई आर का रेशो आएगा, एक v कैंसिल हो जाएगा, v बाई आर का रेशो आएगा, उस रेशो को हम यहाँ पे ओमेगा लिख सकते हैं. सो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि m ओमेगा, ये v ये कैंसिल हो गया, ये बचा m ओमेगा विल बी इक्वल टू qb, विच इम्प्लाइज ओमेगा जो आ गया आपका qb डिवाइडेड बाय m हो जाएगा. और टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा, यानी कि ये हो गया आपका टाइम पीरियड जो बचेगा ये हो जाएगा आपका 2 पाई m डिवाइडेड बाय qb. अगर एग्जाम हॉल में ये फॉर्मूले याद ना रहे भूल जाएं तो आप इस तरह से सॉल्व भी कर सकते हैं. राइट, सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट आंसर.